भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस, अभी हम लोग बिहार के गौरव और बिहार के ताजमहल कहे जाने वाले शेर शाह सूरी मकबरे के पास आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिहार का गौरव और बिहार का ताजमहल। भाई साहब, मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि भाई साहब 75 वर्ष आजादी के कंप्लीट हो चुके हैं, इसी को लेकर यहाँ पर शेर शाह सूरी मकबरे में यहाँ पर शाम के समय में, रात के समय बहुत ही यहाँ पर शानदार लाइटिंग जलता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि कितना भव्य तरीके से और कितना शानदार तरीके से इस शेर शाह सूरी मकबरे को सजाया गया है तिरंगों के कलर में। तो गाइस, आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल इन तक बने रहेगा। तो गाइस, जब भी आप देख सकते हो शाम के समय में शेर शाह सूरी मकबरे को, और भाई साहब देख लो, आज रक्षाबंधन का भी दिन है और रक्षाबंधन के दिन पर आप देख सकते हो शेर शाह सूरी मकबरे में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्राउड है रक्षाबंधन को लेकर। तो गाइस, अभी तो हम लोग वहाँ पर शेर शाह सूरी मकबरे के अंदर नहीं जाने वाले हैं क्योंकि मैंने भाई साहब ऑलरेडी बहुत सारे शेर शाह सूरी मकबरे के ऊपर वीडियो बना दिया है, तो कुछ जाना अलग से फायदा तो नहीं होगा। तो अभी आप बाहर से देख सकते हो ओवरऑल व्यू बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हो शेर शाह सूरी का मकबरा है। तो अभी आप देख सकते हो इसके आसपास का नजारा बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो ये शेर शाह सूरी का मकबरा है, चारों तरफ से आप देख सकते हो ये लेक से घिरा हुआ है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और भाई साहब, इधर में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नया चीज यहाँ पर लगाया गया है, तो चलिए वहीं पर हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या लगा हुआ है। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो भारत के ऐतिहासिक जलाशय छाया चित्र प्रदर्शनी, आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पर जल के अंदर, पानी के अंदर जो मोन्यूमेंट्स है उन सभी का यहाँ पर फोटो लगाया गया है। तो सबसे पहले आप इधर में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे गौरव बिहार का ताजमहल शेर शाह सूरी मकबरे का यहाँ पर फोटो लगाया गया है। बाकी सब आप देख सकते हो इधर में बहुत सारे और भी जो भारत के आर्कोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स है उन सभी का आप देख सकते हो इधर में बहुत सारे पिक्चर्स लगाए गए हैं। बात है कि भाई साहब यहाँ पर बहुत दिनों से शेर शाह सूरी मकबरे में फ्री एंट्री है आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर। और ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर शेर शाह सूरी मकबरे में बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। कहाँ से आए हो बाबू? हम यही ससुराल में रहते हैं। जी, तो कैसा लगता है यहाँ पर शेर शाह सूरी मकबरे में? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का रात का सीन भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की सरकार ने ऐसे इतने अच्छे सीन देखे हो? जी, हम देखे हैं। शेर शाह सूरी के बारे में बताओ कुछ। शेर शाह सूरी हमारे देश के राजा थे बहुत, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे और बहुत मकबरे भी बनाए यहाँ। जैसे थोड़ा आगे शेर शाह सूरी अभी पापा का भी मकबरा है और ये उनके उन्हीं का। तो गाइस, बहुत ही जल्द शाम भी होने वाला है और भाई साहब, शाम के समय में यहाँ पर जो शेर शाह सूरी मकबरे की जो लाइटिंग लगाई गई है आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर, तो आप देखिएगा शेर शाह सूरी मकबरे को एकदम तिरंगा से, एकदम तिरंगे की कलर में एकदम छा जाएगा शेर शाह सूरी का मकबरा। तो गाइस, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं सीधे जब लाइट जल जाती है तब। तो गाइस, अब बहुत ही जल्द जो शेर शाह सूरी का मकबरा है तिरंगे की रंग में रंगने वाला है। 1 2 3। तो गाइस, जिस पल का हम लोगों का काफी देर से इंतजार था, अब वो हम लोगों का पल बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। आप देख सकते हो शेर शाह सूरी में जो लाइट है वो अब जलने लगी है भाई साहब, देख लो यहाँ पर।
भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।